अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान शंकर बाहर बैठे हैं, कन्हैया जी ने सोचा कि मैं भी तो दर्शन कराना चाहता हूँ, मेरी मैया ने तो साफ साफ मना कर दिया, अब क्या करूँ। भोले बाबा को तो नौटंकी आती नहीं, नौटंकी बास तो मैं ही हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की गोद में उआ 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 इतनी ज़ोर से रोने लगे। भगवान यशोदा ने सोचा कि चलो भूख लगी होगी, स्तनपान करा दिया, पलने में जुड़ाया, झुलाने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैया ने सोचा क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब छोटा बच्चा जब तक बोल नहीं पाता तो वो रोवे तो मैया को जब समझ आता है, माँ अपने हिसाब से करती है। तो यशोदा ने सोचा कि शायद हो सकता है कान दुख रहा होगा इसका, इसलिए रो रहा होगा। तो थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके लाई और कान में डालकर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया। कन्हैया अभी भी चुप नहीं हुए, अभी भी रो रहे हैं। तो सोचने लगी शायद हाथ वाथ में दर्द हो रहा होगा, हाथ दबा दिया सब कुछ। अब जब आधा घंटा एक स्वर में रोता हो गया, अब तो यशोदा के हाथ पांव फूल गए। और वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बच्चे को इस प्रकार से आधा घंटे तक कोई रोए तो आपकी क्या स्थिति हो जाएगी। और वो तो वो यशोदा है, भगवान श्री कृष्ण है। यशोदा तो बड़ी घबराई, भागती भागती गई, क्या करूँ क्या करूँ। और सखी कहती है क्या हुआ, बोले लाला चुप ही नहीं हो रहा है। अरे तू चिंता क्यों करती है, उसको बेचारी को ढांढस बंधाया, तू चिंता मत कर। बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या हुआ। अरे मुझे पता है ना इसको क्या हुआ। बोले क्या हुआ। बोले इतनी सारी गोपिकाएं आई, तेरे लाला को दर्शन किया, तेरे लाला को झूला झुलाया, और सबकी नज़र अच्छी थोड़ा ही होती है, किसी लग गई होगी तेरी किसी गोपी की नज़र। हाँ तू चिंता मत कर यशोदा, मुझे सारे टोटके फोटके आते हैं। ऐसा कहकर सखी गई और थोड़ा मिर्ची घुमाया, नमक घुमाया, जो जो आप लोग करते हैं सब कुछ किया। वो बत्ती भी घुमाया भगवान श्री कृष्ण को नज़र उतारने के लिए, लेकिन ना तो वो नमक मिर्च काम आया, ना वो बत्ती काम आई। कन्हैया तो अभी भी रो रहे हैं। अब तो सखी ने भी सोचा राम राम, अब क्या किया जाए। तब सखी ने कहा, अरे यशोदा जो बाहर बाबा बैठा है ना, जरा उससे जाकर पूछ ले कि वो कुछ झाड़ फूक जाने का, अब तो मरता क्या नहीं करता। यशोदा ने कहा, अरे उसके पास जाऊंगी तो उसके गले में तो सांप बीछू लटक रहे हैं, मेरो लाला और डर जाएगो। सखी ने कहा, देख मरता क्या नहीं करता, जाना तो पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जब डॉक्टर की दवाई ना लग रही हो ना, तो अंत में लोग फिर झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं बाजे जरा दवाई मंत्री दिलू। बोलो राधे राधे। तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तब यशोदा डर के गई है और भगवान शिव को कहा है कि बाबा कछु झाड़ फूक जानो का, जो बच्चा है ना बहुत देर ते रोए रहे हो। भगवान शंकर कहते हैं, हाँ झाड़ फूक का ही तो काम है मेरा, लेकर आओ अभी ठीक कर देते हैं। यशोदा लेकर आई है। भगवान शंकर ने जब यशोदा की गोद में मेरे कृष्ण को देखा है, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही भगवान शिव की समाधि लगने लगी। क्योंकि भक्त जब सच्चे भाव से अपने इष्ट का स्मरण चिंतन ध्यानस्थ होता है तो उसकी समाधि लगने लगती है। भगवान शंकर को देखा तो भगवान कृष्ण को भी बड़ा आनंद हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं।